वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपना डिवाइड भी कवर अप कर लेते हैं। तो हमारा सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों जो है हमारा इरेशनल का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेथड जो है पहले फॉलो हो रहा था कि अलग अलग अगर रहेगा, एक अंडर रूट में रहेगा, एक अंडर रूट में नहीं रहेगा, तो वो जो है ना तो प्लस होगा, ना माइनस होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना ही डिवाइड होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है, देखिए यहाँ पे 2 जो है अंडर रूट में नहीं है और 3 अंडर रूट में है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया ना 2 डिवाइडेड इतना, यानी इतना जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 अपॉन इतना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो 16 अपॉन 6 है, उसे देखिए क्या करेंगे उसको। देखिए ये इसको मतलब डिवाइड का मतलब अपॉन में है, यहाँ पे अपॉन आ जाएगा, यानी 16 ऊपर हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 16 अपॉन 4, ये दोनों सेम, देखिए फ्रेंड्स ये दोनों अंडर रूट में है, तो एक सिंगल अंडर रूट ले सकते हैं हम। अब देखिए 4 जो है 16 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 जो है 16 को डिवाइड कर दे रहा है, कितने टाइम में, तो आपका 4 टाइम में। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन गलत उतार दिया, यहाँ पे 6 होगा, वैसे ही जो है 2 जो है 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम में, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ यहाँ पे आप समझ लीजिए, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। यहाँ पे 4 जो है हमारा 16 को डिवाइड किया 4 टाइम में, 2 जो है 6 को डिवाइड कर दिया 3 टाइम में, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व क्लियर हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए वही रूल फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों में, अगर दोनों में अंडर रूट है तो सिंगल अंडर रूट ले लेते हैं, 125/5। अब देखिए 2 से गया 4, 2 से गया 8 4 टाइम में, 5 से गया 25 कितने टाइम में, 125 है तो 25 टाइम में चला गया। अब देखिए ऐसे हो गया हमारा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ये टूटेगा, यहाँ पे जब 3 था तो 3 को तो हम लोग कितना, अब 3 को तो तोड़ नहीं पाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं पाएगा, पर ये जो है 25 जो है टूटेगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए 5 5 25, एंड ये देखिए हमारा ये पेयर बन गया, और ये पेयर जो बनता है तो आपको पता ही है कि वो बाहर आ जाता है, तो 4 × 5 बाहर ही आ गया 20, ये हमारा आंसर। आई होप आपको डिवाइड भी समझ आ गया होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इजी होता है एज कंपेरिजन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मेरे नज़र में आपको जो इजी लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फैक्टराइज, इरेशनल का फैक्टराइजेशन देख लेंगे।